ब्लॉग्स तो आ गए हम किचन। तब बोला था खाना बनाने को जाना है तो आ गए हम किचन पे। तो आज तो शुक्रवार है तो निरामिष खाना है। तो अभी भात हमारा हो गया, दाल भी हो बना लिए अब हमने, और आलू आज में आलू भजा करेंगे और बैंगन को फ्राई करेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बैंगन हमने कट लिया है। तो देखिए तो बाजार से आप लोगों को तो दिखाए थे बहुत बड़ा बड़ा बैंगन है, तो ये सब बैंगन एकदम उसके खाने को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा है और खाने को भी बहुत मज़ा लगता है। तो बेसन से आज मैंने लिया है, बेसन बेसन लेने से बहुत टाइम लगेगा, देर भी हो गया, तो इसलिए आज वो बैंगन बेसन से ले लिया भरने के लिए। इसी हल्दी और नींबू मार के रखा है, इसको तब अभी फ्राई करेंगे। तो बेसन से भरने से भी बहुत टाइम लगता है, तो देर हो गया, इसीलिए सोचा आज बेसन से नहीं भजेंगे, इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ में देखिए हमारा कढ़ाई पूरा गर्म हो गया तो करंट चला गया, तो अंधेरा लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ में देखिए आलू भी कट के रखा है। तो पहले हम बैंगन को फ्राई कर लें, इसके बाद आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ में कढ़ाई देखिए पूरा गर्म है, अभी यहाँ में दाल है अंधेरा कर लिया, अब देखने दिखाई नहीं पड़ा, तो दाल भी है। तो आज उस तो हम सब सामान नमक सिमक सब हम एक्स्ट्रा ले आते हैं जो इस दिन निरामिष खाते हैं, तो हमें सब एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो ये देखिए हमें कट कर रखा है, ये है क्या बोले थे, ये है सोसा बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, तो इसको भी कट के रखा है। बेटा ऐसा इसका भात का साथ ऐसे खाने का बहुत अच्छा पता है, तो इसे आलू का साथ रखा था। तो एक तो कटा है क्योंकि वो अकेले खाएंगे तो इतना नहीं कटा है, तो एक ही कट के रखा है वो उसका लिए ही। तो आलू का साथ रखा था, हल्दी लग गया इसको धोकर भी देना होगा, तो रखा है यहाँ उसका लिए कितना पोटिस रखा है। तो चलिए बेबी फ्राई कर लेते हैं। तो भात भी हो गया हमारा, हमें ऐसा बड़ा बड़ा बेसन मिलता है खाते समय का, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें तो बेसन से जो खाते हैं ना उससे भी ये हमें खाना अच्छा पसंद लगता है हमें, क्योंकि हमारा हस्बैंड का और बेसन में जो घुसते हैं ना वो भी बहुत अच्छा पाते हैं। उतना टाइम भी लगता है और अंडे को हमें स्टीम जाल से भेजना पड़ता है तो टाइम भी लगता है, इसलिए आज थोड़ा देर ही गई, इसलिए आज बेसन चिकन का बेसन से ले लिया। सीधा खाली ये खा ले रहा है, पहले भी वो खाली भाग के रखा था, अभी उसको फ्राई कर लेते हैं। आलू भर देंगे और पापड़ भी आएंगे, पापड़ आना हुआ है वो भी भर देंगे, बस हो गया। तो फटाफट खाना भी बना लेते हैं, बेटा बेटा आज मेरा कभी भूख लग गया क्योंकि आज शुक्रवार है, शुक्रवार भी हम आज में सुबह में जो चाय के नाश्ते में हम रोटी भी बनाए, आज खीरा खाए थे तो खीरा खाने का भूख भी लग जाता है क्योंकि हम देर हो गया, आज देर का मतलब जैसे कुछ किया हुआ। तो आज हमने दूध जो आजकल जानते हैं सत्तर खराब जरा में बंधन दूध जो रहता है, तो हम भी दूध में हैं तो बंधन दूध में दिए थे, तो हजार हम भी जाते हैं, बहुत नहीं जाते हैं कभी कभी जाते हैं, तो आज गए थे तो देर हो गया आप जाते हैं, तो इसीलिए रोटी भी बनाने में इससे पता खीरा और बिस्किट से ट्राई किए थे, उसमें वो बेटा भी बन रहा है, हमको बहुत कुछ लग रहा है अपना खाने में, तो इसलिए जल्दी आज सब सब्जेक्ट से देरी हो रहा है, देरी हो गया तो हम थोड़ा सा बना लेते हैं। बेटा अभी भूख लगा है, जब भी खाए हैं अभी भी चीज जो की चलिए खाना बना के आज बेटा को पहले देंगे, दूसरा दिन जो सब्जे भी खा के जाता है उसका बाद बेटा के खा पाया, मुझे बहुत भूख लगा है तो उसको आगे पहले उसको दे देंगे, तो उसे भी दे देंगे अच्छे खाते हैं बेटन का प्लान, बेटन फ्राई कर लेंगे और आलू का, तो आलू थोड़ा सा उसको पहले भाज कर दे देंगे और इतना अच्छे से हम करेंगे उसको, पहले थोड़ा सा भाज कर और फूल गोभी करिए आलू का चीज करिए, आलू उसको भाज देंगे तो अच्छा खाता है, तो उसके लिए फूल गोभी करिए सब भर देंगे और जो एक बेटन फ्राई करके उसको पहले दे देंगे वो खाने का, उसका बाद
अलहमदुल्ला दोस्तों भी और हम एक सब्जेक्ट को खाते हैं तो हाँ जी जगह जगह फ्राई कर लेते हैं और निरामिष का भी निरामिष का सब चूड़ा खट्टा खट्टा खाना भी अच्छा लगता है लेकिन आज का शुक्र है तो नहीं हो इसका सब तो इसका सब पापड़ भाजी हो जाएगा तो हम मरीज सब कुछ बना लेते हैं क्योंकि और खट्ठा में भी कुछ लगा है तो जल्दी भी बना लेते हैं ठीक खा के आए हैं तो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो कुछ थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कर लीजिए तो देखिए रोज का तो खबर क्योंकि कई घर से पूरा तो ये तो हमें जो हिंदी बोलने तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है तो फिर जिनका मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ तो क्योंकि हमने पहले तो बेंगोली में बोलता था आप अभी हिंदी में बोल रहे थे हमें मतलब एक घर में हमें कमेंट किया था कि आप हिंदी में बोलिए इसलिए हम हिंदी में बना रहा हूँ उसको तो हिंदी में आप ही नहीं जिता सकता उसको थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगता है थोड़ा सा बोलिए और खराब भी लगे तो भी थोड़ा सा बोलिए हिंदी में बोलने से सभी आदमी को सब आदमी बाकी समझता है बंगाली में बोलने से तो सभी नहीं समझते हैं और हिंदी की सभी आदमी को जानते हैं इसलिए हम हिंदी में बोलता है और बंगाली पहले भी जो उसे बनाता था ना तो बंगाली में ज़्यादा बनाया है तो उस भाई ने बोला कि आप हिंदी में बोलिए हम लोगों को समझ नहीं आता है तो आप हिंदी में बताइए इसलिए हम हिंदी में अभी जो वीडियो बनाता हूँ हम हिंदी में बनाता हूँ हिंदी बात बोलता हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है हमारा हिंदी तो कहीं जो है कहीं लटक पटक जाती है तो बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत तो आप लोगों को अच्छा लगे हमारा हिंदी तो भी बताइए बुरा लगे कहीं बुरा कमेंट कीजिए तो हम कोशिश करेंगे तो हम भी हमारा हिंदी अच्छा से बोलने का कोशिश करेंगे अभी लगते हैं मुझे लगे खाना भी है और हमें लाइक शेयर कमेंट करना मुझे भी